देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप समझे थे, देखिए हम बोले की कोशिश कर रहा था नहीं की वो बा जी जी आपके बुरा हमार बुरा चाहेला और ऐसा ना करके वो बात फिर कैसे चैन से रह सके नहीं हमारा फिकर होकेला। आप हमार बात समझते नहीं की हम पागल थोड़ी ना बानी हम आपके को समझावे की एक कपड़ा में तो माँ जी चाकू रख ले रही जी बाबा मंत्र फूक के देले रहे तो फिर चाकू कहाँ गए का साबित करे चाहता नहीं आप ये सब करके हाँ अच्छा तरीका बाप ना आपके सही और सच्चा साबित करे के सबके सामने अपन औलाद पे हाथ उठा के आप ये साबित करे चाहता नहीं ना कि आप कितना अच्छा माँ बानी लेकिन आप ऐसा साबित ना कर सके नहीं। आकाश कहाँ गए हमार बेटा कहाँ बा वो आपके बेइज्जती के बदला लेवे खातिर गए हा अब तक जब तक यश के खून न बह जाई आपके बेटा चैन से ना बैठी। अरे तू जाए का देह लोग रखे अरे रुक लो कहा नुक रखे हम क्या आवाज कहने लगा लू अब तो ना जाने का होगी हम क्या आकाश के रोकियो खोखी कहीं गुस्सा में आ गयो नाना हे भगवान हम अपने जिंदगी में बहुत दुख साले बानी बहुत कुछ झेले बानी हम लेकिन अब अपने बेटा के खून बहुत हम ना देख पाए अपने बरसों की तपस्या यूं बर्बाद ना होके देव हम कुछ कह के गई कहाँ गई लू हाँ कहीं कहीं यश के घर अरे बोला ना कहाँ गई बा बोला कहा नहीं खू ओ यश पीर बाबा के दरगाह पर गई ला तो आकाश जी भी वहीं पर गई ला पीर बाबा की दरगाह भगवान ए रुका ए सुना 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 ए सुना 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 कहाँ जा रहा बड़ तू हाँ भाभी जी कहले रहली औरत के बाहर मत निकले दिया बाहर निकल के नहीं तोगे चला चला अंदर तो भगवान भैया के रोके तना रुको भाम हमारे बेटे की जान खतरा में बात छोड़ जाए घबरा के ऐसे कैसे जा सके लू अभी हम भाभी के बलौत बनी भाभी जी रिक्शा रिक्शा रुका 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 आरती भाभी अरे जल्दी आई भाभी जी वो औरत चल गई हम के रोके के बहुत कोशिश करी लेकिन मन लस रहा हूँ देखिए होने गई बिया देखिए होनी है भागल बिया हाथ छोड़ के भागल बिया चली जल्दी से पीर साहे की दरगाह ले चली जल्दी पीर साहे के दरगाह यश जी तो उहे गए बाड़े और ये औरत काहे जा रहल बाड़ी
पलक, पायल और हमने के आवे वाला बच्चा के अच्छा सेहत और लंबा उम्र दिया बाबा। जाना तनी कि आपके दर से केहू खाली हाथ ना जाला, सबके मुराद पूरा होला। कर ला भैया, जी भर के दुआ मांगला। यहाँ ना तो तार कोनो मुराद पूरा होखी न कोनो मन्नत। मौत के मुंह से आज तोरा केहू ना बचा पाई है सिंधिया। अरे यार, ये पुलिस वाला के भी अभी आवे के रहे। फोन कहे ना उठावत बड़े यजी, यजी प्लीज फोन उठाई ना। अच्छा भाई, यश भैया पी ला पानी ताकि प्यासा मत मरा। थोड़ा और तेज चलावा ना, हमरा बेटा के जान पर खतरा मंडरा रहल बा। हम के हर हालत में बचावे के बा, वैसे जल्दी चलाएं। अल्लाह तोहरा के हर बला से महफूज रखे बेटा, खुश रखे, खुश रहा, आबाद रहा। यस सिंधिया, अब तो हर बच्चे के कोनो चानस नहीं खे। हमार जो नाग देवता बाड़े ना, वो अब हमके हमार दुश्मन से मुक्ति दिलाई है।
आरती जी। यजी के कार के अचानक का हो गए, कहीं ब्रेक फेल ना। सांप, यशी, आप अपन आंख मत बंद करिया, आप आपके कुछ ना हो। यशी, अपन आंख मत बंद करिया प्लीज, हम एम्बुलेंस के बुलावता नहीं। हेलो हेलो नेटवर्क, हेलो हेलो, आवाज आ रहा बना आपके? देखिए भाई साहब, प्लीज एम्बुलेंस भेज दी जल्दी से प्लीज। मगर आप बानी कहाँ मैडम? ओ हम पीर साई दरगाह के पास बानी, हमारे पति के यही पे एक्सीडेंट भइल बा, अब जल्दी से एम्बुलेंस भेज दे, उनकर हालत बहुत खराब बा। लेकिन कोनो तरफ वहाँ तो चौराहा भी बा, कोनो लैंडमार्क बताई? कोनो कच्चा सड़क बा, कोनो पेड़ बा, दरगाह के ठीक 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 सामने। अच्छा ठीक बा, हम देखा था नहीं। हाँ यशी, यशी प्लीज अपन आंख मत बंद करिया, ये जी सोया मत प्लीज, ये जी आंख मत बंद करिया। क्यों बा, क्यों बा, क्यों बा जी हमार मदद कर सकेला प्लीज। ये जी अपन आंख मत बंद करिया प्लीज, कुछ ना हुई आपके, कुछ ना हुई। क्यों बा प्लीज, क्यों हमार मदद कर दा। महा भौजी के, अरे तक घबरा का है रहल बड़ा, का भयल का? यश के सांप काट दिलस का? हे भगवान, आरती के फोन आयल रहे हमरा पास, एम्बुलेंस खातिर वो फोन कर दे लिया, हम डॉक्टर लेके जाते नहीं। माँ अपन ख्याल रखा बाप, यश के कुछ ना होके। तू माँ के चिंता मत कर, तू जा। ठीक है। अरे यश के सांप काट दिया ना। गायत्री कुछ ना हुई हमने के बेटा के, पंकज गल बाना, और आरती भी एम्बुलेंस के फोन कर दे ले बड़ी। अरे तू चला अंदर, हमने को चलते नहीं करना भेजा, लेकिन वो सांप काटने ना सक रहा के। आकाश ये हमर मन के बात पूरा कर ही देले बानी, हमार बेइज्जती के बदला ले ही लेलस यश से। अभी तो बहुत मुस्कुरात रहलो तू, हमके देखते ही तो और हंसी काहे गायब हो गई। हमरे यश के सांप काट ले हलस, ई सुन के तू इतना खुश हो रहल बड़ू, तोहसे बड़ नागिन के होखी का? काहे इतना जहर भरल बा तोहरे मन में, काहे हमारे यश के दुश्मन बनल बड़ू तू? अरे वो तो कड्डा सीधा हो, औरत के इज्जत कैल के ओसे सीखे, वो तोहरा के मंडप में छोड़ के कबो ना जाई थी इशिता। लेकिन आरती को आप कमजोर हो गए तो चश्मा लगा ली, हमर माथा पर सिंदूर और गला में मंगलसूत्र नहीं के दिखाई देता आपके? शादी हो गई हमार, और आकाश जी हमार पति बानी, हमरा केहू और के बारे में सोचे के या उनका के आपन दुश्मन बनावे की कोनो जरूरत नहीं है। और हाँ रहल बात जहर के, ता आप में भी कोनो कम जहर नहीं है, हाथन में पूजा के थाली और मन में ता ई काल क्या लेकी हमके सुना के चल गए। हमरे भगवान की कसम, अच्छा भइल जोन ई लेकी हमरे घर के बहू ना बनलस, आरती जाए जैसन भी है, लेकिन ऐसे तो लाख गुना बेहतर है। यश कत्ता भाग्यशाली बा जोने डाइन के चंगुल से फंसते फंसते बच गई। यश, यश बेटा, यश बेटा काबिल, काबिल बेटा, बताओ ना हमरा के, काबिल तो रखे, काबिल आई जा, काबिल बताओ ना पैर में, एक मिनट।
ठहर जा बेटा, कुछ ना होगी। सांप कटला सारा के, हे भगवान, कुछ ना होगी, तू ठीक हो जीबा, कुछ ना होगी देखा। ठहर जा, अब कुछ ना होगी बेटा, कुछ ना होगी तोरा के, अब कुछ ना होगी जब तोरा के, तू ठहर जा, ठहर जा। हम तोरे खातिर अब जड़ी बूटी कल बना के लिए आओ नहीं तो आके कुछ ना होगी हमारे बच्चा, तो आके कुछ ना होगी। रुक जा भाई साहब, प्लीज प्लीज हमारे पति के वहाँ पे एक्सीडेंट हो गए बात क्यों साफ काट दे बा, प्लीज हमारे मदद कर दी प्लीज भाई साहब प्लीज, बहुत मेहरबानी हुई आपके। चली आई कौन बात ना, चली चली आई यहाँ पर कोनो कोनो सेफ जगह, कोनो सेफ जगह पर ले चली। एम्बुलेंस अब तक हुई थोड़ा देर में, बस आराम से भाई साहब आराम से चली। आप घबराई मत, हम लोग केहू के बुला के लाओत बनी गांव में। ठीक बा, यश जी आपके कुछ ना हुई। यश जी अपन आंख मत बंद करिए, यश जी अपन आंख खोली, अपन आंख बिल्कुल बंद मत करी, हमारी बात सुनी यश जी, आंख बंद मत करिए यश जी, आप ठीक हो जाए। यश जी अपन आंख खोली, हमारी बात सुनी। हेलो आप बोलत रहनी, आप एम्बुलेंस की भेजब का भइल। हेलो आवाज आओ था आपके हमार। हेलो आप एम्बुलेंस भेजे वाला रनी। यश जी देखिए प्लीज जल्दी एम्बुलेंस भिजवा दी ना। हेलो आवाज आ रहा आपके। हेलो देखिए हम कहा था नहीं एम्बुलेंस के जल्दी भिजवा दी, हमारे पति की हालत खराब हो जा रहा बा। हेलो हे भगवान, हेलो आपके हमारा आवाज आवत है ना। हेलो रुक जा तू, तो यहाँ भी आ गए लू। चैन ना मिलल तारा के, पहले भी कोशिश कर चुकल बाड़ू ना हमारे पति के मारे के, और अब फिर आ गए लू यहाँ तक। ई का बा, जहर हमारे पति के जहर देवे चाहे लो तू। ई जहर ना, ई जहर खत्म करने के दवा हा, एकर बहुत तुरंत असर होखेला। बंद कर अपन ढोंग, तू झूठ बोल रहे बाड़ू, तू पहले भी हमारे पति के मारे के कोशिश कर लू, तू हमारे परिवार के दुश्मन बाड़ू। हम तरह के अपन पति के आसपास भी ना भटके दे, प्लीज जा यहां से। के समय निकल आरती, देखा यश की हालत देखा, और ओकरे शरीर में जहर फैला था। भरोसा कर हमरा पर, ई दवा जहर ना हा। भरोसा और तहरा पे कपो ना, पहले हमार बाऊजी पे इतना गंदा इल्जाम लगेलू, फिर हमार पति के मारे के कोशिश कैलू, और अब अभी दोसर बहाना लेके आगल बाड़ू। ना हम तो अरे पति के नहीं मारल चाहत, हम काहे मारब ओकर के, हम तो कर जान बचावल चाहत नहीं। जा यहां से, इतना से बर्ताव कर अपने सास से। सास? हाँ, यश हमार बेटा हो, हम जन्म देले बा निकला के, और एक माँ होके अपने बेटा की यूं दम तोड़त ना देख सके नहीं, और जमरे रास्ता से। सब झूठ, ये भी झूठ, कल तक आकाश तो हर बेटा रहे, पूरा खानदान बाऊजी सबके सामने ये साबित करत रह लू की आकाश तो हर बेटा बा, और अब कहा तड़ू यश जी तो हर बेटा बड़े। धोखे बाज बाड़ू तुम, फरे भी बाड़ू, हमार यश जी सिर्फ गायत्री माँ के बेटा बाड़े, और हमार सास सिर्फ गायत्री माँ बाड़ी। तू झूठी बाड़ू, और ये जहर, और ये जहर बा, तू हमार पति के मारे जाएगी। जहर ना आरती, जहर ना। ये देखा हम खाए नहीं ना भाई, कुछ हमरा के ना ना तो हट जा हमरा रास्ता से। अरे का बताऊं हमरा के, Thank you.
ठीक हो जाए हमारा बच्चा। उठा तू पुत्र, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तारा की कुछ ना होगी। और बच्चा के कुछ ना होगी, कुछ ना होगी तारा के। आरती जी, यश जी, आरती जी, बच्चा, हमार बच्चा, थोड़ी ही देर में एकरा के पूरा तरह होश आ जाए। यशी, यशी, आप ठीक हो जाए, कुछ ना हुई आपके। रुकी, आप इस तरह ना जा सके नहीं। मतलब आप अभी जौन कुछ भी कहनी, वो अभी तक हमार कान में गूंज रहल बा। प्लीज हमरा के पूरा बात जाने के बा, सब कुछ सच सच जाने के बा, बताई हमरा के। हम ऐसा का कहनी कुछ भी था ना। अभी आप जॉन जॉन यश जी के बारे में। ओ अच्छा अच्छा, कि यश हमारा बेटा है। वो तो ऐसे बोलने का है कि तू दीवार बन के अपने पति के सामने खड़ा रह लू, हम के दवा लगाए ना देते रह लू, और यश की तबीयत बिगड़त रहे वैसे हम कह देने कि यश हमारा बेटा है बस। लेकिन सच ना है, ऐसा कुछ नहीं खे, भूल जाकर रखे, ये सब झूठ है। झूठ तो आप अब बोल रहल बानी। आपके चेहरा पर एगो माँ के तड़प देखले बानी हम, जब आप यश जी के दवा लगावत रहनी, जब आप उनका अपन अपन सीना से लगेनी, उहे सुकून नजर आयल हमरा जेगो जेगो माँ के आंख में देख सकेले। हम भी एगो माँ बनी राधा जी, बच्चा के दर्द के समझ सके नी, जब अपन बच्चा के चोट लागेला था तो कैसे एगो माँ के दिल में टीस उठेला, वो दर्द हम आपके आंख में देख ले बानी। और अपन बच्चा के सिर पे जब खतरा मंडरावेला तो ओकर सलामती खातिर सबसे पहले ओकर माँ के होठ पर ही ओकरा खातिर प्रार्थना आवेला। हम आपके वो अनकहल दुआ, उन कहल प्रार्थना सुन ले बानी। ई भाव, ई दर्द, ई तसल्ली झूठा हो ही ना सकेला। बताई हमरा के सच का बा, बताई हमरा के सच का बा। हम ली कहानी ना तोरा से, ऐसा कुछ नहीं खे। आपके यश जी के कसम, जानल चाहत अड़ू तू सच का करबू जानकी। बीतल बात के मत कुरेदा आरती, कुछ ना मिली सिवाय दुख के। वो पुराना बात से यश जी के अस्तित्व उनकर पहचान जुड़ल बा, और उनकर पत्नी होके के नाते हमारा अधिकार बनेला कि हम सब कुछ जानी। प्लीज
आज कुछ मत छुपैया, सब कुछ सच सच बता दी। प्लीज माँ, प्लीज। हमरे बच्चा के कसम देले बाड़ू, मना ना कर सके नी हम। हाँ, यश हमार बेटा है, हमार और सूरज प्रताप के बेटा। तो फिर वो दिन सबके सामने आप ही काहे कहनी कि आकाश आपके बेटा बा। हाँ, काले रहनी हम, मगर तहके तो सारा सच जाने के बना। तो फिर हमरा के पीछे मुड़ के बहुत दूर तक देखे के पड़ी। हम एगो बहुत गरीब घर में जन्म लिया नहीं, पिछड़ी जात के लोगन में हमने के गिनती रहल। लेकिन हमारे माँ बाप के सोच, उनकर विचार आज के जमाना के माँ बाप के बराबर रहल। पढ़ाई और लिखाई के महत्व तो समझत रहने हो, लेकिन वो अपन पेट काट काट कर हमके पढ़ाईना और लिखाईना, किताब खरीदे के हिम्मत तो नारल हमने के। यही से यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करत रहनी, और वही जब पहली बार हमार सूरज प्रताप सिंधिया से मुलाकात भइल, वो कॉलेज के ट्रस्टीज में से एगो रहले, और पहला मुलाकात में ही हम कैसा लागल, जैसे वो बहुत ईमानदार, सभ्य और सुलझल इंसान रहले। बहुत प्रभावित हो गेल रहनी हम उनसे, और फिर हमनी के मुलाकात बढ़त गई। फिर वो मुलाकात कब दोस्ती और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही ना चला। हम बहुत खुश रहने, आसमान में उड़त रहने, और फिर एक दिन अपना उम्र के नाजुक पड़ाव पर भावना में बह के हम उस सारा सीमा पार कर देने। लेकिन हमके बिल्कुल अफसोस ना भई, काहे हमके विश्वास रहा कि हमके हमरे प्यार के मंजिल मिल जाए। और फिर एक दिन हमरा के एगो सच्चाई के सामना करे के पड़ा, जब हमके पता चलल कि सूरज प्रताप सिंधिया शादीशुदा बने। सूरज प्रताप सिंधिया दो बच्चा के पिता हुए। हम टूट गई नी, बिखर गई नी। हम सब कुछ भुला के सूरज प्रताप के माफ करके वजह से गए चाहत रहनी, काहे कि हम ना चाहत रहनी कि हमरे कारण सूरज प्रताप के हसत खेलत परिवार बिगड़ जाए। और फिर हम अपने मन के समझा के, अपने आप के समेट के हम सब कुछ भुलाए के बन कोशिश करते रहने की, हमके पता चला कि हम माँ बने वाला बानी। और फिर सब कुछ बदल गए। अकेले होती तो कैसे भी जी लेती, कोनो हाल में भी जी लेती, लेकिन ना, अब तो हमारे अंदर एगो बच्चा पलत रहल। हम वो बच्चा के हक उसे कैसे अलग कर सकत रहनी। हम चाहत रहनी कि हमारा बच्चा के उकरे पिता के प्यार, उकरे पिता के नाम मिले, और बहुत मजबूर होके हमके सूरज प्रताप सिंधिया से मिले के पड़ल। बहुत हाथ जोड़नी हम, बहुत प्रार्थना कैनी कि हमरा बेटा के अपना लो। बहुत गिड़गिड़ैनी हम, लेकिन ना, वो हमार प्रार्थना सुनके हमके एगो नया नाम देके गएल, धंधा करे वाली।
पैसा खातिर अपन ईमान बेचे वाली औरत कहलस। और फिर हमारे हाथ में रुपया के गड्ढे थमा के बच्चा गिराए खातिर कहलस और चल गई ले। काहे कि वही समाज के रईस और इज्जतदार लोगन में रह ले। यही से वो अपन अपन बच्चा के अपन अंश ना मान के ओकरा अपन इज्जत पर और एको काला दाग मान के मानकर वो जैसे गई ले। लेकिन हम अबॉर्शन ना करवैनी, हम ऐसा कैसे कर सकत रहनी। एको माँ अपने बच्चे का जान कैसे ले सके ले। और फिर उता हमारे को हिस्सा रहा, हमरे अंदर पलत रहा, कैसे मार देते हम अपने बच्चा के। हम ऐसा ना कही नहीं। देखो बिन ब्याहल माँ के इस समाज में जीना कितना मुश्किल हो खेला, अच्छे से जाने नहीं हम। बहुत बहुत ताना लोगन कर गाली गंदा घिनौना बात सब सुननी हम, लेकिन अपने बच्चा के बारे में कभी बुरा ना सोचने। ईश्वर से बस एक शिकायत रहा हमरा के, हमरा बच्चा के नसीब में ओकर हक और ओकर पिता का नाम कहे ना लिखला। और फिर एक दिन शायद हमारे ईश्वर हमार प्रार्थना सुन ले ना। एक दिन हमके पता चला कि गायत्री भी अपन दूसरा बच्चा के जन्म देवे वाला भी है। पहला अक्टूबर यशे दुनिया में आए और गायत्री 2 अक्टूबर के सवेरे एको बेटा के जन्म दियालस आकाश। फिर जब सूरज प्रताप सिंधिया अपने बेटा के मिले आयल था वो ओकरा गला में एगो हार पहना के ओकरा से कहलस, हमार बेटा हमार मान सम्मान हमार यश बढ़ाई, तहर नाम तो हम पहले से ही सोच के रख ले रहनिया, बताबा का यश सूरज प्रताप सिंधिया। और ए तरह अपना बेटा के ओकर अधिकार दिलवाही देनी हम। अपन बेटा के तो हक दिलवा देनी आप, लेकिन गायत्री माँ के बेटा आकाश के हक छीन लेनी आप। हाँ हम मानते नहीं, यही गलती भइल बा हमरा से। लेकिन हमके ओ समय कुछ ना सूझत रहल, हमके सिर्फ अपने बच्चा के चिंता रहल। लेकिन हमार ईश्वर साक्षी बा, हम आकाश के कबो कोनो चीज के कमी ना महसूस होके देनी। एगो माँ होखले के नाते जन प्यार दुलार ओकरा दे सकत रहनी सब देहनी, और अगर कुछ ना दे पैनी तो ऊहा पिता के नाम और उनकर छत्र छाया ये दर्द ये ग्लानी हम रखे अंदर ही अंदर का चोटेला। यही से जब भी आकाश के देखे नी वो दर्द खुद पे गुस्सा कई गुना बढ़ जाला हमरा। और वो दिन
वो दिन जब जब यश की शादी पर सूरज प्रताप सिंधिया आकाश के पता ना भला बुरा कहत रहा काम से रहा ला गई और पहली बार हम आकाश के ओकर हक दिलवाए की कोशिश कई नहीं कहे कि हम चाहत रहनी कि आकाश ओके अपने घर में जगह मिले और समाज में इज्जत से सर उठा के जिए और आज भी ये चाहे नहीं कि सूरज प्रताप और गायत्री आकाश के अपन बेटा मान ले बस हम क्यों कुछ ना चाहे हम बस यहां से चल जाए भाई जैसे एक घर से इस सब से और सबके खुशी से बहुत दूर यश जी आपके बेटा बाड़े फिर भी आप उनकर जान लेवे की कोशिश कहीं नहीं का है